हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम नई ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाएंगे और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है जब आप इसे बनाएंगे। तो चलिए हम बनाने से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राइंडर जार में 1 कप सूजी डालेंगे, हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इसका पाउडर हो गया है। इसमें हम 1/2 कप दही डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम अब इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो इसे अब हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच हम तेल डालेंगे, फिर राई डाल देंगे। राई थोड़ा सा तड़कने लगे तब इसमें हम जीरा डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम मिर्ची डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम 1 मीडियम साइज का प्याज कट करके इसे डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भुनेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए लगभग भुनना है। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 4 उबले हुए आलू को मैश करके अच्छे से डालेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हम अब नमक डाल देंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा जो स्टफिंग है लगभग देखिए तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा देखिए थिक हो चुका है। तो इसमें हम 1/2 कप और पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बैटर जो है रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस पर डोसा तवा रखेंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस पर हम 1 बड़ा चम्मच बैटर डालेंगे और डोसे की तरह हम इसे फैला लेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो देखिए 30 सेकेंड के बाद ये अच्छे से पक जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, पलट लेंगे और इस तरफ पर हम 1 चम्मच केचप लगा देंगे, 1 चम्मच हरी चटनी लगा देंगे। इसे अच्छे से फैला देंगे, जो हमने स्टफिंग बनाया था उसे रोल करके ऐसे मिडल में रखेंगे। को अब हम अच्छे से कवर करेंगे, चारों तरफ से हम इसे कवर कर देंगे। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आप कवर कर लें और इस पर अब हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे पलट देंगे। इस साइड भी हम तेल लगा देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। दोनों तरफ इसे पलट पलट कर आप पका लें। देखिए कितना यम्मी और टेस्टी नाश्ता लग रहा है। तो इसी तरह आप इसे बना सकते हैं। तो इसे अब हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसे एक और आपको दिखा रही हूँ कैसे फ़ोल्ड करने का। आप इस तरह भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप चाहे जिस तरीके से आपको जमे आप उस तरीके से फोल्ड करके इसे पका लीजिए। आपका ये नाश्ता फटाफट तैयार हो जाएगा और ये खाने में तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी नाश्ता बनेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।